है, बिहार अपना पक्ष रखा है। नमामि गंगा जो योजना है उसके तहत जो बिहार का परफॉर्मेंस अच्छा तो है ही, सब लोगों ने सराहना भी की, लेकिन बिहार ने अपनी मांग को भी रखा, जब तक सिल्टेशन जो है उसकी पॉलिसी नहीं बनेगी नेशनली, तब तक जो है समस्या जो है पूरे गंगा में अविरलता की जो स्थिति, जो अविरल जल तभी होगा जब सिल्टेशन पॉलिसी बनेगी और सिल्टेशन का कुछ होगा। हर जगह डैम वैम बना हुआ है, डैम के चक्कर में सिल्टेशन जो है बिहार में जम जाता है और इसकी वजह से पानी जो है फैलाव करता है, बार बार की स्थिति होती है। तो ये सारी पक्षों को हम लोगों ने रखा है और जब तक अविरलता नहीं रहेगी तब तक गंगा ही जिंदा नहीं रहेगी, अविरल रहेगा तभी गंगा जिंदा रहेगी। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा है कि पॉलिसी बनाई है और जब तक आप सिल्टेशन का कुछ नहीं कीजिएगा तो ये स्थिति जो है कि ठहराव पानी का फ्लो है वो रहना चाहिए। बाकी तो आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी वगैरह उस सब में तो बिहार का कार्य काफ़ी प्रगति पर है। नया साल आ रहा है, लोगों को नए साल की शुभकामनाएं और हम लोगों की कोशिश है कि नए साल में एक बिहार को हम लोग नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और रोजगार तो हो ही ना, कल नियुक्ति पत्र बट ही रहे। जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, यात्रा लोग आता ही रहता है, उसको कौन सा बड़ा विषय है। जेट को लेकर आप जवाब दीजिए, बीजेपी बोल रही है कि जो बिहार सरकार ने जेट लिया है प्रचार प्रसार करेंगे। आखिरी बार जेट कब खरीदा गया था, बिहार सरकार ने कब खरीदा था? हम जवाब ओछी राजनीति का हम जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में आज जहाज की स्थिति क्या है, उस जमाने में जब खरीदा गया था और आज ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। आप समझ रहे हैं ना कि अब तक लीज पे चलता था जहाज, किराए पे हम लोग लेते थे। बिहार के पास अपना क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात सरकार लेती है तो बहुत अच्छा काम करती है, भारत सरकार दो दो को चार चार हज़ार करोड़ का जहाज लेती है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग काम के लिए ना भाई, सरकारी कामकाज में दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा जल्द से जल्द हो जाए, इसी के लिए ना लिया जाता है। प्रचार प्रसार करेंगे, ये भी कर रहे हैं। कौन प्रचार प्रसार कर सकता है सरकारी? क्या सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम थे तो कभी सरकारी हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठे हैं क्या? कभी प्राइवेट जहाज पे नहीं बैठे हैं क्या? उनके केंद्र मंत्री जितने हैं, एक केंद्र मंत्री का नाम बता दीजिए जो बिना प्राइवेट के घूमता हो, क्या बात कर रहे हैं? 24 की तैयारी, इतनी गंदी ओछी राजनीति, ये माइंडसेट है, ये नकारात्मक लोग हैं। दिक्कत क्या हो रही है, क्यों दिक्कत होना चाहिए? बिहार, आपको नहीं लगता कि बिहार के पास अपना, बिहार सरकार के पास अपना एविएशन होना चाहिए? हर स्टेट के पास है कि नहीं? आज हम लोग कलकत्ता गए हैं सरकारी काम से तो प्राइवेट प्लेन से नहीं ना, प्राइवेट जेट से ना गए हैं। आपका जो कमर्शियल प्लेन है जिससे आम जनता जाती है उससे ना गए हैं। गाजीपुर की शाह होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्यूट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजीपुर।